Hello, my lovely people. This is Neharpreet Kaur. Welcome back to My Wisdom Diary. I hope you all are doing perfectly fine. Such a relief after saying this. I mean, it's been a month or I think more than a month. I think to nahi. Ye more than month hi hai system. Ki main video post nahi kar pa rahi thi. And uske do teen reasons the. Pehla to ye tha ki mere health issues the. And uske baad mera skin ka treatment shuru ho gaya tha. Jo abhi bhi chal raha hai. And abhi chalega do teen mahine aur. एंड अबव ऑल जो मेन रीज़न था वो ये था कि हम एक नई जगह पर शिफ्ट हुए हैं तो इसलिए वो शिफ्टिंग में ही सारा टाइम निकल गया एंड जो वीडियो रिकॉर्डिंग थी वो डिले आगे होती रही. सो फाइनली आई एम हेयर एंड शुरू करते हैं आज की वीडियो. कोको कोला, कैडबरी डेयरी मिल्क, मैगी, डाबर, वीको टर्मरिक, ये ऐसे कुछ नाम हैं जो सुन सुनकर हम बड़े हुए हैं, जो प्रोडक्ट्स हम बचपन में यूज़ करते रहे हैं. लेकिन कभी किसी ने ये सोचा कि आखिर ये नाम पड़े कैसे? लाइक हाउ दीज फेमस ब्रांड्स गॉट देयर नेम्स. एंड जब आपको इनके पीछे की कहानियाँ पता चलेंगी तो आप भी शॉक्ड हो जाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं ऐसे 10 फेमस प्रोडक्ट्स और उनके नामों के पीछे रीजंस और उनकी कहानियाँ. सबसे पहले शुरू करते हैं कुछ मीठे से, यानी कि कैडबरी डेयरी मिल्क से. तो अब मैं आपको बता दूं कि कैडबरी एक्चुअली उस पर्सन का लास्ट नाम था हु फाउंडेड इट इन 1824, जो था जॉन कैडबरी. अब 1904 में जॉर्ज कैडबरी जूनियर को चैलेंज दिया गया कि वो एक ऐसी मिल्क चॉकलेट बार बनाए जिसमें बाकी चीज़ों के कंपैरेटिवली मिल्क ज़्यादा हो. तो चैलेंज तो एक्सेप्ट कर लिया गया एंड फिर उसके नाम सोचे गए, जो कि थे हाईलैंड मिल्क, जर्सी एंड डेयरी मेड. बट एक कस्टमर की डॉटर ने सजेस्ट किया डेयरी मिल्क, तो ये नाम उसके दिमाग में अटक गया एंड देन डेयरी मिल्क लॉन्च हुई 1905 में. मैगी, जब स्विट्जरलैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का पीरियड था तो उन दिनों औरतों को फैक्ट्रीज में घंटों काम करके घर जाकर खाना बनाना पड़ता था. तो उस डिफ़िकल्ट टाइम में स्विस पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी ने जूलियस मैगी, जो कि एक एंटरप्रेन्योर था, उसकी हेल्प ली एंड मैगी नूडल्स वर बॉर्न अंडर कंपल्शन. हिज फुल नेम वाज जूलियस माइकल जोहानस मैगी. इन 1912 ही पास्ड अवे एंड 1947 में नेस्ले बॉट मैगी. डाबर, ये एक इंडियन मल्टीनेशनल कंज्यूमर गुड्स कंपनी है विच इज़ फाउंडेड बाय एस के बर्मन इन 1884. अब एस के बर्मन एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर थे. ही फॉर्मुलेटेड आयुर्वेदिक मेडिसिन फॉर कॉलरा, कॉन्स्टिपेशन एंड मलेरिया. अब एज अ क्वालिफाइड फिजिशियन वो बंगाल में अपनी मेडिसिन बेचने के लिए साइकिल पर जाया करते थे, तो उनके पेशेंट्स उन्हें डाबर कहने लगे, जो कि दो वर्ड्स को मिलाकर बनता है. एक तो उनके पेशेंट्स उनको बुलाते थे डॉक्टर, डॉक्टर को हिंदी में लाइक डॉक्टर, एंड उनका सरनेम बर्मन. अब डॉक्टर का दा और बर्मन का बर, डाबर. तो इस तरीके से डॉक्टर और बर्मन से बना डाबर. सो ऐसे ही नेम्ड हिज कंपनी डाबर. कौन सोच सकता था कि डाबर एक्चुअली मतलब है डॉक्टर बर्मन. नाउ कम्स दी ओल्ड मॉक. आई नो ये प्रोडक्ट यूज करके हम बड़े नहीं हुए, बट स्टिल इसका नाम है तो लिस्ट में इसको ऐड तो करना ही था. अब इस रम की कोई एडवर्टाइजिंग नहीं है. इसकी पॉपुलैरिटी फुली डिपेंड्स ऑन वर्ड्स ऑफ माउथ एंड लॉयल्टी ऑफ कस्टमर्स. 1855 में एक एंटरप्रेन्योरल स्कॉट्समैन एडवर्ड अब्राहम, फादर ऑफ कर्नल रेजिनल्ड डायर, ने सॉली हिमाचल प्रदेश में एक ब्रूअरी सेट की ताकि वो ब्रिटिशर्स की जो चीप बियर की रिक्वायरमेंट है उसे पूरा कर सके. लेकिन दिस ब्रूअरी चेंज हैंड्स एंड इसको खरीदा गया वेद रतन मोहन द्वारा एंड इस कंपनी का नाम पड़ गया मोहन मीकिन प्राइवेट लिमिटेड. अब वेद रतन मोहन, जो कि उस टाइम कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, वो मॉन्क्स की सरीन लाइफ से एंड जो ड्रिंक्स उन्होंने ब्रू की एज दे लेट देयर लाइफ इन माउंटेन्स, उन सब चीज़ों से वो बहुत ही इंस्पायर थे. तो बस वेद रतन मोहन के लिए ये इंस्पिरेशन बहुत थी इस ड्रिंक को ओल्ड मॉन्क नाम देने के लिए. अमूल, अमूल नाम की बात करें तो ये बनी ही पॉल्सन नाम की कंपनी को जवाब देने के लिए थी. पॉल्सन कंपनी इंडियन फार्मर से मिल्क लेती थी एंड एज दिस कंपनी हैड मोनोपोली ऑन मिल्क इन इंडिया एंड वो उसे बॉम्बे ज़्यादा रेट में सेल करती थी, लेकिन उस हिसाब से छोटे फार्मर्स को बहुत ही कम दाम मिलते थे. एंड इसके अलावा ड्यू टू लैक ऑफ फेयर सेंट्रलाइज्ड डेयरी प्रोवाइडर्स, इंडिया के कॉमन सिटीजन्स को मिल्क नहीं मिल पाता था. तो 1946 में गुजरात के एक लोकल फार्मर ने बाकी फार्मर्स को इनकरेज किया
टू क्रिएट अ डेयरी कोऑपरेटिव कि वो अपने अपने विलेजेस से मिल्क डायरेक्ट बॉम्बे सेल करें इंस्टेड ऑफ सेलिंग इट टू पॉल्सन। तो इस तरह गुजरात के आनंद डिस्ट्रिक्ट में ये जॉइंटली ओन कॉरपोरेशन बनी और 1955 में इसका नाम रखा गया अमूल। और इसके दो रीजन थे। पहला रीजन तो ये था कि ये संस्कृत वर्ड से मिलता था अमूल्य यानी कि प्राइसलेस। एंड दूसरा और सबसे मेन रीजन, अमूल एक्चुअली फुल नेम नहीं है, ये एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड की। तो यस, ये थे दो रीजंस अमूल नाम के पीछे। अब ये एड तो सबने सुनी है। विको वॉज फाउंडेड बाय केशव विष्णु पेंधारकर इन 1952। अब विको एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म है विष्णु इंडस्ट्रियल केमिकल कंपनी की। एक और चीज, विको टर्मरिक क्रीम पर जो WSO लिखा होता है उसका मतलब होता है विदाउट सैंडलवुड ऑयल। कोका कोला, दिस ड्रिंक वॉज इन्वेंटेड बाय जॉन पेम्बरटन इन 1855 इन हिज बैकयार्ड, जो कि एक फार्मासिस्ट था। पेम्बरटन के इस ड्रिंक की रेसिपी में एक्चुअली कोकेन होता था इन द फॉर्म ऑफ एन एक्सट्रैक्ट ऑफ कोका लीफ, जिससे कि इस ड्रिंक का पहले पार्ट का नाम रखा गया कोका। एंड कोला कम्स फ्रॉम कोला नट विच कंटेन्स कैफीन। अब जिस टाइम कोका कोला इन्वेंट हुई थी उस टाइम कोकेन लीगल थी एंड मेडिसिन में कॉमन इन्ग्रीडियंट भी थी, तो पीपल थॉट इट वॉज सेफ टू यूज इट इन स्मॉल अमाउंट। आजकल बिस्किट को भी पार्ले जी कहते हैं। अब इसे इज्जत दी भी क्यों ना जाए, इट इज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक ब्रांड्स इन इंडिया। अब पार्ले जी में जो पार्ले वर्ड है दैट कम्स फ्रॉम वाइल्ड पार्ले, मतलब के विलेज पार्ले जो कि मुंबई में है। एंड जी ओरिजिनली स्टूड फॉर ग्लूकोज, लेकिन बाद में जो ब्रांड का स्लोगन था ऑल्सो स्टेटेड इट एज अ जीनियस। एंड ये ब्रांड जो ये बिस्किट्स बने थे ये अल्टरनेटिव थे उन बिस्किट्स के जो ब्रिटिश के टाइम पर यूज़ होते थे, तो ये आज़ादी के बाद इंट्रोड्यूस किए गए थे। कोलगेट, दिस अमेरिकन टूथपेस्ट ब्रांड वॉज नेम्ड आफ्टर द कंपनी फाउंडर विलियम कोलगेट। वैसे दिस सरनेम ड्राइव फ्रॉम द प्लेस नेम विच इज़ फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश कोल एंड गेट। एंड द कोलगेट का पूरा नाम जो है दैट इज कोलगेट पामोलिव। यस, इस कंपनी का नाम है कोलगेट पामोलिव कंपनी। नेस्ले, नेस्ले का फाउंडर था हेनरी नेस्ले और वो पहला स्विस मैन्युफैक्चरर था जिसने लोगों की हेल्प से ब्रांड बनाया। जो ओरिजिनल नेस्ले ट्रेडमार्क था वो फैमिली के कोट ऑफ आर्म्स पर डिपेंड करता था, मतलब के सॉर्ट ऑफ हेरिडिटरी लाइक फैमिली सिंबल, पुश्तैनी सिंबल, जिसमें एक नेस्ट था और उस पर बैठा हुआ सिंगल बर्ड, और इसका मतलब था नेस्ट इन जर्मन। तो हेनरी ने सिंबल में फाइनली थ्री बर्ड्स ऐड किए, लाइक दोज थ्री बर्ड्स वर बीइंग फेड बाय मदर टू क्रिएट अ विजुअल लिंक बिटवीन नेम एंड हिज कंपनीज इन्फेंट सीरियल प्रोडक्ट्स। अब यही लोगो वर्ल्ड वाइड में चल रहा है, बस थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म में। एंड नेक्स्ट है कोई नहीं, 10 हो गए हैं। पर चलो एक कॉम्प्लीमेंट्री बता देती हूँ, दैट इज वैसलिन। अब वैसलिन का जो एक्चुअल नेम था वो था वंडर जेली, लेकिन उन्होंने इस प्रोडक्ट को रीब्रांड किया और इसे नाम दिया वैसलिन। अब वैसलिन दो नेम्स के कॉम्बिनेशन से बना, द फर्स्ट इज जर्मन वर्ड दैट इज फॉर वाटर दैट इज वैसर, एंड द अदर इज ग्रीक वर्ड फॉर ऑयल दैट इज ओलियन, यानी कि वैसर और ओलियन। सो इन दोनों को मिला के बना वैसलिन। सो दैट्स प्रीटी मच इट। आई रियली होप कि इन 11 चीज़ों में से कुछ तो आपने नया पहली बार जाना ही होगा। इफ येस देन प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड आगे करवाएं भी। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून्ड विद माय विजडम डायरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।